गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और लास्ट दिन जो मेरी राइड रही है, काफ़ी थकान भरी थी। सुबह यहाँ पे मैं पहुँचा, अभी मैं हूँ गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में। तो लाडू रानी अपनी वो खड़ी है, बाइक गद्दी हो गई थोड़ी धोनी है। और मैं यहाँ पहुँचा रात को, कल रात को निकला था 7 बजे शाम के मुंबई से, और सुबह के टाइम 6 बजे मैं यहाँ पहुँचा स्टैचू ऑफ यूनिटी में। तो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। और फिर अभी मैं यहाँ से मंगा, ये बाइक है, इसको थोड़ा धोऊंगा अच्छे से, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई, धूल मिट्टी काफ़ी थी। और बस पैकिंग वैकिंग हो गई है, मैं यहाँ रुका हुआ था, एक बंदा मिला था, उसने मेरी हेल्प करी रूम ढूंढने में, यहाँ पर रूम नहीं मिल रहा था। तो अभी चलिए मैं चलता हूँ यहाँ से, बाइक धोएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाऊँगा, वहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ का वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा घूमूंगा, वीडियो शूट करूँगा, और उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से वडोदरा। 4-5 घंटे मैंने रेस्ट ले लिया, फिर आगे आगे का सफ़र मेरा जम्मू का करता रहूँगा, जैसे जितना कवर हो सके, जितना जल्दी कवर होगा इतना मेरे लिए अच्छा है। तो क्योंकि आगे राजस्थान में रात के टाइम पे ट्रैवल करना ठीक नहीं है, ठंड होगी काफ़ी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिन में थोड़ा कवर कर लूँ, 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जितना भी हो सकता है। सो लेट्स सी, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो, एक इतना हेल्प हो गई कि अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, तो बंदा थोड़ा ठीक है। भाई गुजरात साइड पे तो ये वैसे तो भी मेरे को पहले भी मालूम था कि लोग कोई इतने ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, भारत में किधर भी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहीं सब जगह घूम चुका हूँ। बस गुजरात में पहली बार घूम रहा हूँ ऐसे, और अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। वैसे तो कल का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और आज अभी का देखते हैं क्या सीन है। ये जो है भाई, जो एक छोटा, ये प्रथमेश भाई, क्या नाम है इनका, जो भी एक छोटा भाई है, वो मुझे घुमाएगा अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी। और वो बोले भैया कि आप अपना बैग इधर ही छोड़ जाना हमारी दुकान पे, और हमको, मेरे को टिकट विकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लड़का मेरा घुमा देगा, तुमको सब अच्छे से करवा देगा। तो थैंक यू इन लोगों का, और थैंक्स टू कृष्णा प्रभु, आपने अच्छे से मेरा कल सफ़र करवा दिया। और उम्मीद है कि आगे भी सफ़र मेरा ऐसे ही कटेगा, मुझे चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो अभी बस एक काम करना पड़ेगा मेरे को, मेरा बैग खोलना पड़ेगा दोबारा, और जो मैंने बड़ी मुश्किल से बांधा था, और क्योंकि बैग खोलूँगा तभी वो बंदा पीछे बैठ पाएगा मेरे, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी करेंगे। ये शुक्रिया सर, दोबारा मिलेंगे। क्यों अंदर क्यों नहीं जाने देते, बाहर से देख लेने का, बाहर से। हाँ मैं अंदर वैसे गया हूँ, मुझे मेरे को थोड़ा वीडियो बनाना है बस, और क्या। हाँ हाँ, बाहर से ही बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये है एरिया, पूरे इस टाउन का नाम है एकता नगर, और काफ़ी डेवलप हो चुका है, पूरा एक मॉडल टाउन जैसा बन गया, पूरा साइट्स इन प्लेसेस बन गई हैं, पूरा एक ऐसा फील नहीं आता कि हम गुजरात में हैं। और मैं 3-4 साल पहले आया था, तब तो यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, सीधा सीधा जाना है, तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अभी देखो पूरा ये जो जितना भी एरिया है, सब एरिया CISF संभालती है, इसकी पूरी सिक्योरिटी। ये देखो एकता नगर पूरा डेवलप हो गया, ये सब बिल्डिंग्स, होटल्स, बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पूरे उनके क्वार्टर्स हैं आर्मी वालों, CISF वालों के, उनको पूरा रहने को मिला है। तो अच्छे से प्रॉपर एक साइट्स इन प्लेस बन गई है, ये पूरी साइट बन गई है अच्छे से। ऐसे ही मेरा इंडिया आगे बढ़ता रहे, मोदी है तो मुमकिन है। सज्जे पुड़े नाल खब्बा पुड़ा मैच नहीं करना। तो अभी पहले कहाँ जा रहे हैं हम पता है, पहले हम जाए खाएंगे जलेबी फाफड़ा, और गुजराती में आया हूँ भाई, गुजरात में आया हूँ तो गुजराती तो बनता है, जलेबी फाफड़ा तो बनता है भाई। अब यहाँ का फेमस जलेबी फाफड़ा खाने लेके जा रहा है मेरे को, खिलाने लेके जा रहा है मेरे को शिवम। वही बात आ गई ना, अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाते हैं।
मैं कई बार गया, मैं उत्तराखंड में मैं उधर गया था पिथौरागढ़ वाली साइड, वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे दोस्त मिल गए थे। और चलो ये तो अपने अंदर की खूबी है, दोस्त तो मैं बना ही लेता हूँ। इधर ओके 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 इधर इधर ही लगा दो बाइक सामने ले लो ना। ओके तो ये क्या लिखा है, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी लिखा है शायद, फरसान। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। बच्चों पढ़ लेता हूँ मैं। ये क्या लिखा बाहर, वो क्या लिखा था बाहर, ये आगे फरसान। हाँ देखा मैंने, बराबर पढ़ा, गुजराती पढ़ लेता हूँ मैं भाई। बैठे इधर ही खाएंगे ना, इधर ही खाएंगे, इधर ही खाएंगे ना, तो ठीक है तो बैठ जाते हैं। गुजराती खाएंगे, जलेबी फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा के बिना गुजरात अधूरा है। तो पेश है गर्मा गर्म फाफड़ा, गर्मा गर्म जलेबी, और ये साथ में मिर्ची। इसके साथ ट्रेडिशनल ये कड़ी होती है, अहमदाबादी कड़ी। और बाकी कड़ी तो मैं खाऊंगा नहीं, जलेबी और फाफड़ा का मैं शौकीन हूँ, मैं गुजराती हूँ देखने में। और ये भाई स्पेशल, आज संडे था तो इनके पापा से परमिशन दिला के मैं लेके आया हूँ, यही आज पूरा दिन हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। और हम नाश्ता करके फिर उसके बाद हम जाएंगे। अब बस भी, बस सर्विस भी है क्या? हाँ ये बस सर्विस भी है क्या इधर? हाँ इधर है ना। ओके 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 ओके, टिकट लेते हैं ना। हाँ हाँ है, तो कितना टिकट है यहाँ का स्टैचू का, मतलब पर परसेंट है ना, इधर सब कुछ घूमना है ना। हाँ हाँ आपका 2-3 हज़ार रुपये लग जाएगा आराम। नहीं टिकट का एंट्री कितने का है? टिकट एंट्री, हाँ टिकट, अलग अलग टिकट है, 3 टिकट है इधर। ओके 150 वाली है। हाँ हाँ एक दो, एक 380 वाली है। ओके 1050 वाली है। तो 1050 वाली में ये बस बस सब मिलता होगा ना साथ में? वीआईपी आती है, आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं रहती उसके अंदर। ओके 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 ओके, वो रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सामने दिख रहा है शायद आपको, अभी वीडियो में ना दिख रहा हो क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन जो है ना इसका वीडियो का जो बहुत कम रखा हुआ है। और अगर मैं 4K या फिर 2.7K में बनाता हूँ ना वीडियो, तो ये साला कैमरा हैंग कर जाता है मेरा। रीज़न इसका ये है कि कैमरा अभी पुराना हो रहा है, इसकी उम्र हो रही है अब तो। ये GoPro Hero 8 है मेरे पास, मेरे पास पैसे नहीं है, YouTube से कमाई होगी तो मैं वो लूँगा Insta360।
दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ बाद में। शिवम भाई जो मेरे को यहाँ पे लेके आया, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ ये देखिए, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे लौह पुरुष, इनका बहुत बड़ा स्टैचू है। टाइम मिले तो ज़िंदगी में ज़रूर आइए। मेरा डिसीज़न ये सबसे अच्छा निकला कि मैं वडोदरा ना जा रुक के मैं यहाँ पर आया। काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिला, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने, नया नए लोगों से मिला, नए दोस्त बने। मिलेंगे दोबारा, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे टच में रहेंगे। मैं दोबारा आऊँगा ना, जब भी यहाँ यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो कॉल करूँगा तुमको, ठीक है? ओके बाय बाय बाय। तो चलिए अभी निकलते हैं सीधा। अब मेरे को पकड़ना यहाँ से वडोदरा वाला हाईवे, और थैंक्स इन लोगों का, शुक्रिया एक बार फिर से। और थैंक गॉड अच्छे अच्छे लोगों से मिलाते हो मुझे। कन्हैया शुक्रिया आपका भी, हमेशा हमेशा ऐसा ही लोगों से मिलाना। अब मैं देखूं कि मैंने मैप सेट किया है कहाँ का, माउंट आबू का। तो माउंट आबू का डिस्टेंस है यहाँ से 423 किलोमीटर। अब देखते हैं मैं 423 पहुँचता हूँ कि नहीं पहुँचता। और मेरे पास अभी 8 घंटे बता रहा है ये। अगर मैं मान लीजिए 8 घंटे भी ट्रैवल करता हूँ, 3 बज रहे हैं और 8, 3, 11, 12 बजे, और 12 बजे तक मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। इतना क्षमता है कि मैं 12 बजे तक करूँ। नॉन स्टॉप नहीं करूँगा, लेकिन रुकूँगा बीच में किधर ना किधर, और लंच भी करना है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। फ़िलहाल मैं थोड़ी देर इसको चार्ज करता हूँ GoPro को, फिर आपको मुलाकात करता हूँ आप लोगों से। आपसे बातें करेंगे हम लोग आगे, कहाँ पे, स्टेडियम, अहमदाबाद स्टेडियम, स्टेडियम बोल रहा हूँ सॉरी, ये वडोदरा वाले हाईवे पे।
यारो मैं पहुंच गया हूँ वडोदरा। ये है वडोदरा और मैं वापस वही NH 48 पे आ चुका हूँ जहाँ से मैंने कल छोड़ा था। थोड़ा उससे आगे हूँ लेकिन हाईवे वही है। और अभी मैंने 90 के आसपास अभी भी चल रही है आज भी। ये सब टी स्टॉल मिल रहे हैं लेकिन मुझे खाने के लिए अभी तक कुछ मिला नहीं। लगे वैसे टेंशन नहीं है, गुजरात में हूँ तो वेजिटेरियन की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। यहाँ तो सब वेज वेज मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 90% वेज है। बाकी क्या मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाने में। हाँ हाँ, क्या हाईवे है, खुला हाईवे है, टेंशन नहीं हुआ है। निकलने से पहले, मुंबई से आने से पहले मुझे थोड़ी टेंशन सी हो रही थी कि भाई अकेला हूँ, कैसे जाऊँगा, क्या कैसे, मैं पहली बार जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो गया है कि काफ़ी लेट हो चुका है, लोग डिनर की तैयारी कर रहे हैं और मैं जिस जिस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ या होटल पे जा रहा हूँ, ढाबे पे, खाने के लिए सब मना कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे को वो करके करना पड़ेगा, कुछ हल्का फुल्का खा के पेट भरना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि फुल मिलेगा मुझे खाने को, लेकिन यहाँ पे फूड प्लाजा है एक, मैं देखता हूँ इधर किधर मिलता है कुछ। तो ओके ओके ओके, हाँ यहाँ कुछ मेरे को मिल सकता है खाने को, फूड प्लाजा है, देखते हैं क्या क्या मिलता है। मिलेगा तो यहाँ पे भी नाश्ता ही ज़्यादा, खाना प्रॉपर तो मिलेगा नहीं। मील 7:45 हो गया, कल मैं इसी टाइम पे निकला था और मैंने एक स्टे भी लिया और आराम से घूमता फिरता मैं आया। और अभी तक मैंने टोटल 587 किलोमीटर तक का ट्रैवल किया है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं रात के 12 बजे तक चलाऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा थकान हो रही है अब मेरे को। तो बाकी देखते हैं कैसे, कहाँ तक, कितने बजे तक पहुँचता हूँ, कहाँ पहुँचता हूँ, क्या सीन है, वो तो मैं चलो बाद में डिसाइड कर लूँगा एज़ पर सिचुएशन कि मेरे को क्या करना है। परंतु क्या है कि कोशिश मेरी यही है कि मैं माउंट, अब मैं हाईवे से ना हटूं। अगर मैं जो स्टे मैं लूँगा भी ना, तो वो भी मैं ये हाईवे के आसपास ही लूँ। जैसे मैं 90 किलोमीटर अंदर चला गया था उसके लिए, किसके लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो अब मैं अगर माउंट आबू चला गया घूमने के लिए, अगर मुझे माउंट आबू घूमना होगा तो भी मुझे काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अंदर ना ही जाऊँ, और बेहतर है कि मैं जितना जल्दी पहुंचूंगा आगे का सफ़र करूंगा। और मैं अमृतसर होके जाने वाला हूं तो अमृतसर रुक लूंगा। तो भाई ये रहा सामने अहमदाबाद का सिटी, ये साइड राजकोट, ये साइड दिल्ली। लेकिन अब मुझे कहां जाना है कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। स्टॉप ऐड कर लेता हूँ उस पर मैसाना का, बस। क्या भैया, थैंक यू। चलो धन्यवाद भैया। ओके सर। तो इन भाई लोगों ने भी मेरे को बता दिया कि मेरे को क्या कैसे कैसे ट्रैवल करना है, इन लोगों ने बताया मेरे को। अब मुझे निकलना है आगे। यार ये बड़ा कंफ्यूजन होता है जब कोई सिटी से होके निकलना पड़ता है ना, हाईवे से निकलना हो बाहर से, बाईपास से, तो कोई टेंशन नहीं होती। जब किसी सिटी को सिटी को क्रॉस करके जाना पड़ता है ना, तो बड़ी परेशानी सी होती है खाली। रॉन्ग साइड ही जाना है। ओके। रॉन्ग साइड 500 मीटर जाओ। हाँ। राइट साइड में हॉलीडे इन आएगा। ओके। ताकि मेरा नाम देना बोलना, कुणाल भाई ने बोला। कुणाल भाई। तो मैं अभी रुकने का प्लान कर लिया है। मैंने अभी रास्ते में मेरे को
एक भाई और मिला, ऐसे कोई ना कोई अच्छा बंदा मिल ही जाता है, तो वो मेरे को रूम दे, उन्होंने एक होटल का नाम दिया, बोले अच्छा रूम मिल जाएगा, कम पैसे मिल जाएगा, तो मैं वही देखने आया हूँ। तो देखते हैं कैसा रूम मिलता है। होटल हॉलीडे इन, ये यहाँ पे कहाँ पे मेहसाना, आपके पास नहीं है मेहसाना, नहीं है तो मेहसाना पहुँच गया हूँ मैं, अभी देखता हूँ यहीं पर रुकूँगा, सुबह सुबह मैं निकल जाऊँगा जल्दी जल्दी, अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा, क्योंकि कल का जो है मेरा टारगेट ये कल के दिन में पूरा दिन में मैं राजस्थान कवर कर लूँ, राजस्थान क्रॉस कर लूँ। ठीक है मेरे को तो रात गुजारनी है, मेरे को कोई ज़्यादा देर रुकना नहीं है, और अगर मैं थोड़ी राजा पंखा बंद कर दे बस, और कुछ नहीं यार, पंखा बंद कर दे। सोचा कि ज़्यादा अगर ज़्यादा देर तक मैं बाइक चलाऊंगा तो कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। तो आज का सफ़र यहीं तक का था, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और मुलाकात करेंगे कल आपसे सुबह और नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिए, थैंक यू।